नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और हम सिटी हर्ट, जो चंडीगढ़ से जब हिमाचल की तरफ कुल्लू मनाली की तरफ बाहर निकलते हैं तो जो फ्लाईओवर है उसके नीचे मेन लोकेशन है, जहां पे सारे बैंक्स हैं एक तरफ और एक तरफ बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, और उसका नाम है सिटी हर्ट। उसके पीछे ये 2 BHK फ्लैट्स बने हैं। अंदर की रोड जो है वो 45 फिट की है और ये 1000 स्क्वायर फिट से ऊपर का खुला स्पेशियस 2 BHK है। इतने साइज़ के अंदर कई बिल्डर 3 BHK भी बना देते हैं, लेकिन ये 2 BHK है। पहले ऊपर नज़र मिलाते हैं आपको। ये ड्राइंग डाइनिंग है और ऊपर फॉल सीलिंग पैनलिंग कर रखी है, और इस तरफ बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम कोई अपना जो छोटा मोटा काम है ट्यूशन का वो कर सकते हैं। अब जो चौड़ाई है इस तरफ, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 16 फिट ये चौड़ा इस तरफ आप हमारा ड्राइंग रूम है, और इस तरफ को ये 20 फिट 16x20 का ये बहुत स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग है। उसकी यहाँ से हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। आजकल वुडन पार्टीशन आती है, तो हम यहाँ से अगर इसकी पार्टीशन कर देंगे तो ये वाला एरिया क्लियर हमारा डाइनिंग के लिए बचेगा। और यहाँ पे LED पैनल वुडन शेप में ऑलरेडी लगा हुआ है, और सामने ओपन किचन है और किचन भी मॉड्यूलर है। इसके अंदर ऑलरेडी चिमनी लगी हुई है, ये सैंपल फ्लैट नहीं है, जो है एज इट इज़ ही मिलने वाला है। यानी कि ये फ़िलहाल रेंट पे दिया था, और अभी क्योंकि ये फैमिली भी हमारे जो पंजाब को नज़र लगी हुई है कि हमारे हर घर से बच्चा फ़ौरन जा रहा है, हर गली हर मोहल्ले से बच्चे फ़ौरन जा रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ ओल्ड एज पेरेंट ही बचे हैं, बाकी सब यहाँ पे जो हमारा नौजवान है जो जा सकता है वो 100% बाहर जा रहा है, तो ये भी फ़ौरन जा रहे हैं। और अब ये खाली कर दिया है ताकि इसको भी उन्होंने सेल ऑफ करना है। इसके अंदर एक बेडरूम इस तरफ है, एक बेडरूम इस तरफ है, और दोनों के अटैच वॉशरूम हैं। अब बेडरूम के अंदर आपको, क्योंकि लाइट अभी नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरी वुडन पैनलिंग है, लाइट नहीं है, मतलब कि अभी गई है, 10 मिनट पहले ही लाइट यहाँ पे इन्वर्टर था वो हटा लिया गया है। एक अटैच वॉशरूम है, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, और सारा वुड वर्क कर रखा है, ये सारा वुड का काम हो रखा है। और दूसरी तरफ आपको इस तरफ घुमा के दिखाते हैं कि जो कबर्ड्स हैं यहाँ पे, कबर्ड्स भी जो हैं वो प्रॉपर बनी हुई हैं, ऊपर भी इसकी स्पेस है, और फॉल सीलिंग भी नीचे हो रखी है बेडरूम में। और बेड लगाने के बाद इस तरफ भी 4 फुट जगह बची है, इस तरफ भी 4 और उस तरफ भी 4, यानी कि 6 फिट का अगर है तो ये 12x12 का रूम है, और ये वाला रूम भी 12x11 का रूम है। तो इसके अंदर भी टोटल अलमीरा भी हैं, पीछे जो बेड के पीछे वाला जो एरिया होता है उसको भी वुडन कर रखा है डिज़ाइन, फॉल सीलिंग है, पंखा लगा हुआ है, और पीछे वॉशिंग एरिया है। तो ये जो वॉशिंग एरिया है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, और पीछे और ऊपर से वेंटिलेशन के लिए जगह भी छोड़ रखी है, और साथ में ग्रिल भी लगा रखी है ताकि आपको जो चोरी का डर है वो ना रहे। अब दरवाजे जो हैं ऑलमोस्ट 8 फिट ऊपर हैं, अब देख सकते हैं कि 8 फिट पूरी की पूरी लेंथ है इसकी, अटैच इसका वॉशरूम है, इसका दरवाज़ा भी 8 फिट का है, और ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आपको, अगर आपको इसको आज रहना चाहें तो ये बेड आपको एज इट इज़ साथ में मिलेंगे। जो जो चिमनी हमने दिखाई है, उस तरफ कैमरा घुमा के दिखा देते हैं किचन में, ये आपको एज इट इज़ मिलने वाली है।
और जितना भी कबर्ड ये सब कुछ लगा हुआ है आपको एज इट इज़ मिलना वाला है। पंखे आपको बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाएंगे, जो लगे हुए हैं ये भी उतारेंगे नहीं। और इसको अगर थोड़ा बहुत टच करना हो, थोड़ा बहुत, तो 50,000 मैक्सिमम इस पे खर्चा आ सकता है थोड़ी बहुत फिनिशिंग के लिए। और ये आपको एज इट इज़ ही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो प्राइस है 2 BHK की, वो अराउंड 30 और 32 के बीच में चल रही है। ये ग्राउंड फ्लोर है और आपकी आगे खुली पार्किंग है। पार्किंग की यहाँ कोई समस्या नहीं है। इस कॉर्नर पे भी फ्री में पार्किंग आपको 3-4 गाड़ियों की मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आपको बाहर तो कार पार्किंग मिल रही है। और ये वाली जो स्पेस है, अगर आपको ट्यूशन वर्क करना चाहते हैं, कोई पार्लर करना चाहते हैं, या छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में हो सकता है, तो इस एरिया के अंदर, क्योंकि गेट से एंट्री से ही आप इसको पार्टीशन करके एक सेपरेट रूम भी बना सकते हैं कुछ अपना कारोबार के लिए, तो वो एंगल से भी ये चीज़ है, क्योंकि बसी हुई सोसाइटी है और सारी ऑक्यूपाइड है। तो ये नेट प्राइस 32 डिमांड है और नेगोशिएशन इसमें पॉसिबल है। 30 से आसपास थोड़ा बहुत और खींचतान करके ये हो जाएगा, क्योंकि दे आर मूविंग टू फॉरेन कंट्री। तो जब बंदा कोई फॉरेन जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि वो नीड होती है ना जाने की, बेचने की। तो हो सकता है कोई बिल्डर ही इसको बाय करके बाद में इसको बड़े अच्छे रेट पे बेच दे। लेकिन अगर आप ऐसी ही प्रॉपर्टी की तलाश में थी जो मार्केट से सस्ते में हो, पॉपुलेटेड एरिया में हो, सड़कें जहाँ पे 45 फिट की हों, पार्किंग हो और ग्राउंड फ्लोर हो और कॉर्नर हो, ये कॉर्नर भी है, तो कॉर्नर ग्राउंड फ्लोर दोनों तरफ आपकी पार्किंग रहेगी, दोनों तरफ आपका ग्रीन एरिया रहेगा, तो यहाँ स्पेस भी ये 1,000 स्क्वायर फिट से ऊपर है। नॉर्मल 2 BHK होता है, 850-800 स्क्वायर फिट के आसपास बनता है, ये 1,000 स्क्वायर फिट से ज़्यादा है। तो उस एंगल से भी ये प्राइस भी ठीक ठाक है और लोकेशन भी ठीक है। तो अगर आप इसको फिजिकली देखना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, कॉल करें, आएं, इसको देखें, अच्छा लगता तो फाइनल कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।